21वीं सदी में दुनिया के सभी देशों की असली ताकत उनके हथियार और सेना बन चुके हैं। जिस देश की सेना के पास जितने शक्तिशाली और एडवांस हथियार हैं, उसकी धाक दुनिया में उतनी ही ज्यादा है। जैसे अमेरिका, जो इस मामले में दुनिया का बादशाह बना हुआ है, उसके पास सबसे एडवांस हथियार हैं और उसकी सेना भी दुनिया की नंबर वन सेना है। यही कारण है कि कोई भी देश अमेरिका से टकराने की नहीं सोचता। ड्रैगन, जो देश दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बनने का सपना देखता है, वो भी अमेरिका पर सीधे हमला करने से घबराता है। लेकिन हमारा भारत भी इस मामले में कुछ कम नहीं है दोस्तों। आज भारत के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार हैं, जो भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर सेना बनाती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने सेना को और मजबूत करने के लिए दुनिया में जगह जगह पर कई सीक्रेट बेस भी बना रखे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की सीमा चीन, अफगानिस्तान और पीओके से जुड़ती है। चीन से इसकी 520 किलोमीटर की लंबी सीमा लगी है, जबकि अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा 1420 किलोमीटर लंबी है। अफगान बखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर का है, यानी तजाकिस्तान और पीओके की दूरी 16 किलोमीटर है। इसे देखते हुए ही यहां भारत ने अपने मिलिट्री बेस को बना रखा है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित फरखोर में भारतीय मिलिट्री का एयर बेस है। इनका साथ तजाकिस्तान की वायुसेना देती है। ये भारत का पहला मिलिट्री बेस है जो धरती से बाहर बनाया गया था। इंडियन आर्मी के लिए तजाकिस्तान पाक और चीन पर हवाई नजर रखने के लिए काफी आसान हो जाता है। भारतीय वायुसेना इसके जरिए कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान तक पहुंच सकती है। वहीं भारत का दूसरा मिलिट्री बेस हिंद महासागर में मौजूद है। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना ने अगालेगा में अपना गुप्त सैन्य बेस तैयार कर रखा है, जहां भारतीय सेना अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट करती है। इस मिलिट्री बेस को लेकर सबसे पहले कतर के अल जजीरा ने दावा किया था। अल जजीरा ने दावा किया था कि भारत मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर अगालेगा द्वीप में अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। हिंद महासागर के इस वीरान पड़े द्वीप पर भारत की एंट्री साल 2015 में होती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर जाते हैं। तब दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। उसमें से एक समझौता इस द्वीप को विकसित करना था। इस समझौते के अनुसार भारत अगालेगा द्वीप पर समुद्री और हवाई परिवहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा। वही खास बात यह है कि अगालेगा द्वीप जहां स्थित है, उस इलाके में अमेरिकी सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया, चीन का सैन्य अड्डा जिबूती, फ्रांस का मिलिट्री बेस ला रियूनियन मौजूद है। ये सभी सैन्य अड्डे समुद्र में हैं, जो अपार ताकत रखते हैं। तीसरा, अंडमान निकोबार। दोस्तों, यहाँ पर भी भारतीय सेना ने अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रखा है। यहाँ करीब 500 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, जिसमें से 34 आइलैंड पर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन बाकी के आइलैंड पर आने जाने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि वहाँ का जल स्तर बढ़ता और घटता रहता है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय सेना ने अपने गुप्त मिलिट्री बेस बना रखे हैं और यहीं पर वो अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हैं। भूटान में भारत का बेस एक अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर है। इसे भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम बुलाया जाता है। ये ट्रेनिंग सेंटर पश्चिम भूटान में मौजूद है। इसकी स्थापना साल 1961 और 1962 में की गई थी। यहीं पर भूटान की रॉयल भूटान आर्मी यानी आरपीए के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। मित्र देश में मौजूद ये सबसे पुराना भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ का कमांडेंट भूटान के राजा को रक्षा मामले में सलाह देता है, क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री नहीं होते हैं। वैसे इस एयरबेस के बारे में पहले किसी को ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन जब अफगानिस्तान ने तालिबान के कब्जे के बाद फंसे भारतीय जवानों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना जीती थी, तब इस मिशन के दौरान इस मिलिट्री बेस के बारे में दुनिया को पता चल गया। अगला है मेडागास्कर। दोस्तों, भारतीय मिलिट्री ने उत्तरी मेडागास्कर में रडार फैसिलिटी बना रखी है। इसका निर्माण साल 2007 में हुआ था, ताकि हिंद महासागर से होने वाले जहाजों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके, साथ ही समुद्री संचार को सुना और समझा जा सके। इसकी मदद से मेडागास्कर की नौसेना सर्विलांस भी करती है। दोस्तों, मेडागास्कर की सेना
उतनी मजबूत नहीं है कि वो घुसपैठ या आतंकवादी गतिविधियों को रोक सके। इसके लिए भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है। ओमान, दोस्तों ओमान के रास अलहाज नाम की जगह पर भारतीय सेना ने एक लिसनिंग पोस्ट बना रखा है। इसके अलावा भारत के पास मस्कट नौसैनिक बेस पर ब्रिटेन का भी अधिकार है, यानी वहाँ पर भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को ईंधन आदि की मदद मिल जाती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना और वायुसेना का छोटा बेस भी है। विदेशी धरती पर बेस बनाने के कई फायदे होते हैं। पहला ये कि आप किसी से ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरा, उस देश के लोगों में भारतीयों का वर्चस्व बढ़ जाता है। साथ ही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाता है। दोस्तों, दो देश मिलकर एक सैन्य बेस से कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और वहां से होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि चीन ने भी कई देशों में मिलिट्री बेस बना रखा है। अलग अलग देशों में मिलिट्री बेस बनाकर चीन ये साबित करना चाहता है कि पूरी दुनिया में वो कितना ताकतवर है। बताया जा रहा है कि अब उसकी नजर अफ्रीका पर है। ऐसा करके चीन की सेना धीरे धीरे अमेरिकी सीमा के करीब आ रही है, जो युद्ध की स्थिति में चीन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, भारत को और किस देश में अपने सैन्य अड्डे बनाने चाहिए? आपके हिसाब से कौन सा ऐसा देश है जहां अगर भारत अपना सैन्य अड्डा बना लेता है तो दुश्मनों पर अच्छी खासी नजर रखी जा सकेगी? आपके हिसाब से वो कौन सा देश होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।